कैटरीना ने नए साल पर बहनों के साथ किया कुछ ऐसा, वीडियो हो गया वायरल। सभी ने नए साल को अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया, लेकिन कैटरीना कैफ ने जिस तरह से नया साल सेलिब्रेट किया उसे जानकर तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल कैटरीना ने लंदन में अपने परिवार के साथ नया साल मनाया और इस दौरान की वीडियो जो और फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। एक वीडियो में आप देखेंगे कि कैटरीना इंग्लिश चैनल में अपनी दोनों बहनों के साथ ठंडे पानी में जाती हैं। हालांकि वो ज्यादा देर पानी में नहीं रहती और फिर तेजी से वापस भी आ जाती हैं। वीडियो शेयर करते हुए कैटरीना ने लिखा, हैप्पी फर्स्ट न्यू ईयर डे, लोकेशन इंग्लिश चैनल, पानी का तापमान 0 डिग्री। नए साल के लिए ये बातें जरूर माने। 1, गर्मियों में तैरना ही बेस्ट है। 2, डैशबोर्डों की बात माने, खास तौर पर यह किसी में स्विमिंग गर्मियों में करनी चाहिए। 3, दूसरों से ईर्ष्या न करें, सबकी अपनी चुनौतियां होती हैं, हम सभी इसमें साथ हैं। 4, अपना दिमाग व ध्यान को यहां वहां रखने की जगह वहीं रखें जहां आपका शरीर है। कैटरीना की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो आजकल भारत की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म में सलमान खान लीड रोल में है। कैटरीना कैफ के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर इस बात का खुलासा किया है कि वो अब इस डांस फिल्म का हिस्सा नहीं है। प्रवक्ता ने कहा, कैटरीना कैफ ने रेमो डी सूजा की आने वाली डांस फिल्म को छोड़ने का फैसला किया है। इसकी वजह उनकी फिल्म भारत का हेक्टिक शेड्यूल है। कैटरीना हमेशा ही एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने इस फिल्म को छोड़ने का फैसला इसीलिए किया है क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग की तारीखें उनकी भारत फिल्म की शूटिंग डेट से टकरा रही हैं, जिसकी वो इन दिनों शूटिंग में बिजी है। बता दें कि इस साल कैटरीना कैफ की 2 मल्टी स्टार फिल्म रिलीज हुई थी। हाल ही में वो शाहरुख खान की फिल्म जीरो में नजर आई थी, तो वहीं आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी उनकी मुख्य भूमिका थी। हालांकि ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा पाई, लेकिन कैटरीना के डांस के खूब चर्चे हुए थे। खैर, लेकिन अब कैटरीना कैफ जब इस डांस फिल्म का हिस्सा नहीं रही तो अब उनकी जगह इस फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस लेगी, ये देखने वाली बात होगी।